फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव आज एक कार्यक्रम में फिरोजाबाद में आए थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात की, मुख्तार अंसारी की मौत की जांच की मांग की, केजरीवाल की गिरफ्तारी का किया विरोध, कहा विपक्षियों को मारा जा रहा है। मुरादाबाद के सहारनपुर से सांसद HD हसन के लिए कहा कि वही दोबारा से प्रत्याशी होते, लेकिन पत्र पहुंचने में देरी हो गई। हत्या के मामले में प्रोफेसर रामगोपाल ने कहा कि यह बात मुख्तार अंसारी जी ने कोर्ट में पेशी के दौरान लिखित रूप से कहा था। जिस तरह से उनकी तबीयत बिगड़ने पर उनका बेटा गया मिलने जेल में और अस्पताल में भी उनसे मिलने नहीं दिया, टेक्निकल लड़के को न मिलने दिया जाए तो ये संदेह उत्पन्न नहीं करता है, क्या कभी ऐसा होता है क्या किसी को मिलने नहीं दिया जाए? यह अजीब स्थिति है, लोगों को डर लगने लगा है कि जेल में जाकर किसी भी विरोधी को मारा जा सकता है। ये बताएं, उनकी मृत्यु के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में सब जगह दफा 144 लगा दी फ्लैग मार्च हो रहा है। गवर्नमेंट की सामान्य मौत पर कभी जनता में आक्रोश होता है क्या? अगर आक्रोश है और सरकार महसूस कर रही है सरकार के अंदर डर है, इसीलिए तो सारी तैयारी की जा रही है। मुख्तार अंसारी का निधन हो गया है, उनके बेटे उमर अंसारी ने आरोप लगाया है कि उनके पिता को धीमा जहर दिया गया था। ये बात मुख्तार अंसारी जी ने कोर्ट में पेशी के दौरान लिखित रूप से कहा था, और जिस तरह से उनकी तबीयत बिगड़ने पर उनका बेटा गया मिलने उनसे बांदा जेल में जहां और अस्पताल में भी मिलने नहीं दिया, क्रिटिकल स्थिति में हो कोई बाप और लड़के को न मिलने दिया जाए तो संदेह उत्पन्न नहीं करता, कभी ऐसा होता है किसी को मिलने नहीं दिया? ये अजीब स्थिति है कि लोगों को अब डर लगने लगा है कि जेल में जाने के बाद बजाय बाहर रहें, मुकदमा हो जो कुछ हो, क्योंकि जेल में जाके तो किसी विरोधी को मारा जा सकता है। अच्छा ये बताइए, उनकी मृत्यु के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में सब में दफा 44 लगा दी गई, फ्लैग मार्च हो रहा है पुलिस का, PSC का, CRP का, अगर गवर्नमेंट के सामान्य मौत पर कभी जनता में आक्रोश होता है? कभी नहीं होता कि बीमार होकर भी मर जाए। अगर आक्रोश है और सरकार महसूस कर रही है या सरकार के अंदर डर है, चोर है, इसीलिए तो सारी तैयारी की जा रही है। भाई सामान्य डेथ होती तो कहाँ आंदोलन होता, कहाँ कोई सड़क में निकलता है, लेकिन उनको डर है कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि पहले ही से चल रहा था। अफजाल अंसारी ने 2 दिन पहले कहा था, सब आप जानते हैं, सब उसका बयान चल रहा है, उन्होंने पहले भी कहा था, मुख्तार अंसारी ने पहले लिख के दिया हुआ था। तो जब लिख के दिया था तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। आज हमने भी कहा कि क्या गवर्नमेंट मुख्तार अंसारी ने जो अर्जी दी थी उस पर कोई जांच बैठाएगी? मौत हो गई, अब तो है, सारे लोग जानते हैं कि इसके पीछे क्या साजिश है, किसी छिपा नहीं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जब संदेह व्यक्त किया जा रहा है तो जांच होनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट का नैतिक कर्तव्य है, कोई व्यक्ति अगर जेल से तारीख पर कचहरी पर जाता है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसकी रक्षा करना, जेल में है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसकी रक्षा करे, और अगर बीमार है तो उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, नैतिक जिम्मेदारी होती है। इसमें कहीं भी गड़बड़ी होती है तो जिम्मेदार गवर्नमेंट ही होती है। लेकिन यहाँ तो मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल में मार दिया गया क्योंकि एक बड़े माप सर अरविंद केजरीवाल जेल में है और चुनाव नजदीक आ गया, मुख्यमंत्री भी हैं, इसको सपा कैसे देखती है? वो इंडिया गठबंधन के अहम सदस्य हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल को जिस वक्त गिरफ्तार किया गया वो वक्त बिल्कुल गलत है। वो लोगों के मन में ये शंका पैदा करती है कि अरविंद केजरीवाल प्रचार न कर सकें, गवर्नमेंट ने इसलिए उनको रोका है, कोई सबूत उनके खिलाफ़ नहीं। मान लीजिए कोई मुलजिम है और वो अपने बचने के लिए उस पर कह दिया जाए कि तुम इनका नाम दे दो तुम्हें छोड़ देंगे, यही तो इसमें हुआ है। एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ था, उससे बयान दिलवा दिया कि हम अप्रूवर हैं, मुखबिर, अप्रूवर को क्या हिंदी में कहते हैं, अप्रूवर है, और उन्होंने उसने बयान दे दिया।
तो जो मुलजिम है अपने बचने के लिए अगर बयान देता है उस पर विश्वास ही नहीं किया जाना चाहिए, कोई विश्वास नहीं करता, उसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब तो लोगों को ये डर लगने लगा कि जैसे विपक्षी लोग धीरे धीरे मारे जा रहे हैं, बीमार कल ही वो बहुत बीमार हो गए, शुगर डाउन हो गई थी, अगर 46 में शुगर आ गई थी थोड़ी और नीचे चली जाती तो कोलैप्स कर जाते। वहीं जब जानते हैं कि वो बहुत स्टूडेंट लाइफ से जब पढ़ते तब से डायबिटिक है अरविंद केजरीवाल, तो अगर उसमें जरा भी दवा में इधर उधर होता है जेल में वो हो नहीं सकता है रहते हुए, टाइम पे दवा देना, टाइम पर दवा आप जानते डायबिटीज़ की दवा दी जाती है उसके तत्काल बाद कुछ खा लेना चाहिए वरना शुगर वैसे ही डाउन होकर आदमी मर जाता है। मुरादाबाद के आपके पूर्व सांसद एसटी हसन कहते हैं कि आप जो नया प्रत्याशी घोषित किया है उनके पक्ष में वो प्रचार नहीं करेंगे, तो वो उनकी व्यक्तिगत राय है, पार्टी के लोग तो करेंगे, हालांकि वो अलग बात है वो अच्छे आदमी थे, एमपी थे, मैं नहीं समझ पाया कैसे टिकट क्यों कटा, नहीं काट के टिकट को ठीक भी कर दिया गया था, लिख के चिट्ठी अखिलेश की आ गई थी लेकिन वो 3 बजे के बाद पहुंच पाई, इस वजह से, वरना वही उम्मीदवार रहते हैं।